प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आपको ज्ञात है, रावण इस ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति था। उसने स्वर्ग तक जाने के लिए, पैदल चलकर स्वर्ग तक जाने के लिए सोने की सीढ़ियों का निर्माण कर लिया था। अब बताइए, इतना धनी कोई और व्यक्ति हो सकता है? शायद नहीं। रावण से ज्यादा धनी व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। मां महालक्ष्मी की अटूट कृपा थी रावण के ऊपर। उसने सोने का महल, क्या सोने की पूरी लंका बना रखी थी। इतना धनी व्यक्ति तो आज भी, जितने हमारे संसार में जितने भी धनी व्यक्ति हैं, उनकी समस्त दौलत को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी वो रावण की लंका जितनी एक लंका सोने की नहीं बना सकते। स्वर्ग की सीढ़ियों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो किस प्रकार से रावण ने इतना अटूट दौलत, इतनी धन संपत्ति मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करके प्राप्त की? तो दीपावली के इस पवित्र और पावन पर्व पर, जहां हमारे मन में दीपावली के नाम से ही फुलझड़ियां छूटने लगती हैं, बच्चों का मन पटाखे और फुलझड़ियों के नाम पर, मिठाइयों के नाम पर, उनके चेहरे एकदम चमकने लगते हैं, नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए पकवान खाने को मिलेंगे, ढेर सारी मस्ती होगी और नए नए पटाखे चलाने को मिलेंगे। और हम जैसे जो वयस्क लोग हैं, वो सोचते हैं कि किस प्रकार से मां लक्ष्मी के प्रसन्न करके और अधिक धन के भंडार इकट्ठे किए जा सकें। चाहे वो धन के भंडारों का रास्ता इस विशेष दीपावली के पर्व पर जुआ, सट्टा, रेस कोर्स, कैसीनो, लॉटरी, शेयर मार्केट जैसी चीजों से गुजरता हो। आज हर एक कोई चाहता है कि मेरे धन के भंडार इस कदर भर जाएं कि मेरी आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए वो धन काफी हो, उनके खर्च करने पर भी वो धन कभी खत्म ना हो। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार से आप भी दीपावली के पावन पर्व पर रावण के बताए हुए इस उपाय का पालन करके अपने धन धान्य के भंडारों को भर सकते हैं। अब मैं यहां बात करने वाला हूं तुला राशि के बारे में। रावण ने कहा क्या, कहा था रावण ने क्या बताया था कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति महाधनी व्यक्ति बन सकते हैं, मेरे समान अटूट लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी तुला राशि वाले व्यक्ति बड़े भाग्यवान होते हैं। लक्ष्मी जी तो शुक्र देवता के रूप में स्वतः ही उनके पास विराजमान होती है। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों से जब हम बात की बारे में जब हम बात करते हैं, तो तुला राशि वालों से मेरा मतलब वो है कि जिनकी जन्म कुंडली में उनकी एक्चुअल राशि तुला राशि है, या फिर अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आपका जो प्रचलित नाम है उसका नाम का प्रथम अक्षर, अगर इस समय जो स्क्रीन पर आपके नाम का अक्षर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी एक अक्षर से प्रारंभ होता है, तो आपकी राशि निश्चित रूप से तुला राशि बनती है। और निश्चित रूप से आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल फादर हैं, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। तो तुला राशि वाले व्यक्ति अगर दीपावली के पवित्र पावन दिन पर, तो उनका उनके तांत्रिक बीज मंत्रों से 108 की संख्या में जाप करें, उनकी साधना करें, उनके चित्र के सामने बैठकर। अगर आप उनका पूजा अर्चन के करने के पश्चात उनका 108 की संख्या में
जाप करने के पश्चात उनसे निवेदन करेंगे, हे शुक्र देवता, आप तो मेरे राशि के स्वामी हैं, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल फादर हैं। अब मैं मां महालक्ष्मी की पूजा करने जा रहा हूं, इस बात के गवाह आप भी हैं और ये दीपक भी हैं, ये दीपक भी इस बात का गवाह है। तो आप मेरी तरफ से भी मां महालक्ष्मी से निवेदन करें कि वो प्रसन्न होकर अटूट लक्ष्मी बनकर हमारे धन धान के भंडारों में निरंतर वास करती रहें। ऐसा करने के पश्चात आप मां महालक्ष्मी का षोडश उपचार पूजन करना प्रारंभ करें। मां महालक्ष्मी के पूजन में षोडश उपचार पूजा अर्चना करने के पश्चात अगर आप उनकी माला, जो मंत्र माला है, वो या तो हम मान के चलते हैं कि हम कमल गट्टे की 108 दानों की माला से उनका पूजन करें, साधना करें, या फिर हम जो हल्दी की माला है उससे करें, या फिर कर्क कौड़ी की 108 दानों वाली माला से उनका पूजन करें। तो उनका जो मंत्र है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो मोतियों की, जो सुच्चे मोतियों की माला है उस उनके 108 मंत्रों उससे, 108 मंत्रों वाली माला से भी उनका साधना कर सकते हैं। तो 108 मंत्रों की जो माला है वो 5 बार करनी है, यानी आपने 5 माला उनके 1600 उपचार पूजन के पश्चात करनी है। जल का पात्र वहां अवश्य होना चाहिए, आचमन इत्यादि के लिए जो जल का पात्र होता है। और उसके पश्चात जो मंत्र है, जिस मंत्र का आपने प्रयोग करना मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसिद प्रसिद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम मां महालक्ष्मी नमः। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र की 5 माला करने से मां महालक्ष्मी निश्चित रूप से प्रसन्न होकर आपके धन धान्य के भंडारों को अटूट रूप से भरती रहेंगी। लेकिन उसके पश्चात एक कार्य, जब पूजा समाप्त हो जाए तो लास्ट में एक कार्य अवश्य करिएगा। वहां पर जो जल का पात्र रखा हुआ है, जो आचमन इत्यादि के लिए जो जल का पात्र आप रखते हैं, उस जल का छिड़काव, शेष बचे उस जल का छिड़काव पूरे घर में करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे संपर्क करके, या फिर हमारे शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में सुबह 10:30 से लेकर 6 बजे के मध्य आप फोन करके मिलने का टाइम फिक्स कर सकते हैं और आकर मुझसे मिल सकते हैं, मेरी मदद ले सकते हैं अपने जीवन में आ रही किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए। जय शनिदेव। नमस्ते, जय शनिदेव। मैं मिथुन चौधरी, मैं मलेशिया से ये वीडियो बना रहा है। पहला बहुत टेंशन था हमको, और फिर मैंने एक दिन गुरु रजनीश शिष्य जी का मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा, और फिर मैंने कांटेक्ट किया तो बोला कि गुरु रजनीश शिष्य जी से वीडियो कॉल करने के लिए एक अपार्टमेंट बुक करना पड़ेगा। फिर मैंने अपार्टमेंट बुक किया, फिर मैंने गुरुजी से फेस टू फेस बात किया। गुरुजी ने बोला रिंग पहनने के लिए, मैं अभी रिंग पहनना है। मेरा पहला बहुत टेंशन था, अभी धीमे धीमे करके बहुत हैप्पी हो रहा है मेरा मन, मैं भी अभी हैप्पी है। बहुत खुशी लग रहा है कि गुरु रजनी जी से गप करने और रिंग लेकर मुझे बहुत हैप्पीनेस हो रहा है, बहुत खुशी हूँ मैं। गुरु रजनी जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता है। आगे जाके मैं बहुत विश्वास कर रहा है कि मेरा सब काम अब सफल होगा। मैं अभी 26-27 ईयर का, आप लोग का टेंशन है गुरु रजनी जी से यूट्यूब में नंबर रहे कॉन्टैक्ट करके आप लोग सब टेंशन का दूर कर, मेरा 100% है। गुरु जी ने उपाय बताएगा, आप करेगा तो आपका टेंशन
100% मेरा विश्वास है आपका टेंशन दूर हो जाएगा। जय शनिदेव गुरु जी। Thank you.